प्रदेश में संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आयोजित हुई। राजधानी के सचिवालय में आयोजित इस बैठक में संविदा कर्मियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और साथ ही मंत्रिमंडल समिति ने सभी विभागों से जल्द जानकारी पहुंचाने की बात कही है। आपको बता दें कि बैठक के बाद मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि अभी तक 18 विभागों की तथ्यात्मक जानकारी समिति को प्राप्त हुई है और जल्द ही शेष विभागों से भी जानकारी प्राप्त होगी। इसके बाद ही समिति अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को पेश करेगी। बीडी कल्ला ने साथ ही कहा कि हर महीने कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक आयोजित करेगी और विधि के अनुसार संविदा कर्मियों को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में मंत्री रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट की मीटिंग वगैरह, सब कमेटी की मीटिंग वगैरह होती है, उसको सारी गोपनीय होती है, लेकिन कुल मिलाकर अब तक आप जानते हैं 2-3 महीने तक आचार संहिता लगी हुई थी। आचार संहिता के बाद ये पहली मीटिंग हुई है, उसमें डिपार्टमेंट वाइज जानकारी ली गई है किस किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, कितने लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अथवा प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं और उनमें किस किस प्रकार के कर्मी हैं, उनको क्या मानदेय मिल रहा है, उन विभागों में कितने पद रिक्त हैं, इन सब चीजों की जानकारी मांगी गई है और ये एक नियमित प्रोसेस है। इसके आधार पर अगली मीटिंग में जब ये सूचनाएं आ जाएंगी तो कमेटी उनके बारे में आगे विचार करेगी।